व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग के मंत्री कपिल अग्रवाल देव ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़े विजन के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर हमारे संवाददाता अविनाश ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम मंत्री विदेश दौरे पर रहे, निवेश जुटाने के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कपिल देव अग्रवाल जी। सर, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश जुटाने के लिए तमाम मंत्री भी विदेश दौरे पर रहे, आज जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखिए, आज ये मुजफ्फरनगर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उचित मार्गदर्शन में हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास वो लगातार प्रगति कर रहा है। आज उसी क्रम में हमने भी इन्वेस्टर समिट की है। लगभग 5200 करोड़ के प्रस्ताव हमारे विभाग के द्वारा यहाँ पर आए हैं, उन सबका मैंने स्वागत किया है। और हमारी आईटीआई कैसे नए मोटिवेशन के साथ, नई इंडस्ट्री के साथ, नई मशीनों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हमारी आईटीआई खड़ी हो, उसकी हम लगातार चिंता कर रहे हैं। उस नाते हमारे आईटीआई के विभाग के लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की है। सारे जेडी हमारे यहाँ पर आए हैं और एक शानदार प्रगति के साथ, शानदार छलांग के साथ ये हमारा काम हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि ये जो इस तरीके से समिट जो के हैं वो कहीं ना कहीं गलत था। नहीं देखिए, ऐसा कि हमारे विभाग में नए नए इनोवेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। डॉन में हम काम कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी में हम काम कर रहे हैं, कृषि सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ सोलर में हम काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारे पानी पे, यानी हमारा जो जो प्लम्बर्स हैं उसमें हमारा लगातार काम हो रहा है। यानी जो जो नए सेक्टर्स आते जा रहे हैं उन सभी सेक्टर में युवाओं को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जितने इन्वेस्टर आएंगे उन सब की स्किल मैपिंग करा करके उनको हम जिम्मेदारी से मैन पावर सप्लाई करने का हम काम करें। यानी जैसी रिक्वायरमेंट उनकी होगी वैसे युवाओं को हम तैयार करने का हम काम करें। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लगातार जिस तरीके से तमाम मंत्री विदेश दौरे पर हैं, और साफ तौर हम लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके दिशा निर्देश में लगातार आने वाले समिट में जिस तरीके से तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में शामिल होंगे और भारी निवेश उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने वाला है। लखनऊ से एमके न्यूज़ के लिए अविनाश।